कैपिटल स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज कब बनेगा? ये सवाल हर मेंबर जिसने कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम सुना है या हर वो मेंबर जिसने कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनका सबसे पहले होता था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को जब लॉन्च किया गया था तो इस प्रॉमिस के साथ लॉन्च किया गया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का पाकिस्तान के पहला प्रोजेक्ट होगा जिसका M2 मोटरवे पे जाती डेडिकेटेड इंटरचेंज होगा। राइट नाउ जो स्मार्ट सिटी का इंटरचेंज का एग्जिट पॉइंट है, मैं उस पॉइंट पर खड़ा हूँ और मैं आपको इंटरचेंज की सारी वो डेवलपमेंट जो हो रही है वो भी दिखाता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सराउंडिंग में कि ये पॉइंट कौन सा बनता है, ये जो पॉइंट है बेसिकली मोटरवे पे अगर आप आएँ तो आपको लेफ्ट साइड पे किलोमीटर के साथ छोटे छोटे बोर्ड लिखे नजर आते हैं जिस पे लिखा होता है मोटरवे पॉइंट नंबर 332 एंड 333। ये मोटरवे पर पॉइंट नंबर 333 बनता है और इसके बिल्कुल सामने आपको ये खैरी मुरद के पहाड़ नजर आते हैं जो बैकग्राउंड में आपको नज़र भी आ रहे होंगे। ये सारे खैरी मुरद की रेंज है जो आपको नज़र आती है और इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एंट्री पॉइंट भी कंस्ट्रक्ट किया था जो कि आपको मोटरवे पे इस जगह पे नज़र आता है। तो एंट्री पॉइंट हो गया, अब आ गया कैपिटल स्मार्ट सिटी का एग्जिट पॉइंट। इसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी ऑफिशियली इंटरचेंज का जो है वो मतलब मालिक बन चुकी है सोसाइटी और ये साइट पे जो मशीनरी इस वक्त काम कर रही है ये वो आप देख लें। इस वक्त साइट पे 50 के आसपास मशीन्स हैं जो काम कर रही हैं ये इंटरचेंज का पाथ बनाने के लिए। लाहौर से आने वाले ट्रैफिक है उस ट्रैफिक के लिए डायरेक्ट एक्सेस इस पॉइंट से बनेगा। मैं आगे चल के आपको ज़रा करीब से दिखाता हूँ कि पॉइंट कैसा तैयार हुआ है अब तक, क्योंकि दूसरी साइड के अक्सर आपने वीडियो में देखे होंगे कि वहाँ डेवलपमेंट का स्टेटस क्या है मोटरवे के एंट्री पॉइंट पे। अब एग्जिट पॉइंट पे जाके देखते हैं कि अभी क्या हो रहा है एग्जिट पॉइंट पे। आज संडे 12th of May 2024 है ये हम आ गए एग्जैक्ट उस पॉइंट पे। मैंने लास्ट हफ्ता पहले एक बात की थी वीडियो में कि कैपिटल स्मार्ट सिटी विद इन 1 वीक यानी बाय संडे ये एक्सेस पॉइंट ओपन कर देंगे और अभी आपके सामने मोटरवे वो पॉइंट आ गया कि जहाँ पे ये सारी मशीनरी जो आपको नज़र आ रही है ये सिर्फ इस एग्जिट पॉइंट पे काम करने के लिए है। वो पीछे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रश आ रही है और जब ये पूरा एरिया कारपेट किया जाएगा कॉम्पैक्शन करके वहाँ के कॉम्पैक्शन होती हुई नज़र भी आ रही है आपको। ये वो एरिया है ये जहाँ पे कॉम्पैक्शन हो रही है इस वक्त। और बैक साइड से आपको ट्रैफिक वैसे भी गुजरती नज़र आ रही होगी। अच्छा ये जो आपको स्लिप इन नज़र आ रहा है ये लाहौर से आने वाली ट्रैफिक के लिए। मैं पास से जाकर दिखाता हूँ आपको प्रिसाइज पॉइंट दिखा देता हूँ कि जो जिस पॉइंट से आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आइडिया मिल सके कि लाहौर से आने वाली ट्रैफिक कैसे इस्लामाबाद में एंटर होगी स्मार्ट सिटी में एंटर होगी। क्योंकि इसका नाम कैपिटल स्मार्ट सिटी है तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में शायद सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक को जिसको कह लें कि डायरेक्ट एक्सेस मिलेगी वो वाहिद ये सोसाइटी होगी क्योंकि इसका ज़ाती डेडिकेटेड इंटरचेंज है। अच्छा यहाँ से लाहौर की ट्रैफिक आएगी सारी इस लूप से होते हुए यहाँ से आके प्रोजेक्ट की साइड पे एंटर हो जाएगी ये गेट बनेगा। और ये जिस ट्रैफिक ने इस्लामाबाद के लिए जाना होगा मैं वो भी दिखा देता हूँ। अभी आप लेट से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं इसके ऑपोजिट साइड पर जहाँ पर दूसरी मशीन काम कर रही है ये वाली इस पॉइंट से गाड़ी बाहर निकलेगी और इधर से होते हुए प्रॉपर बाहर से एग्जिट ले लेगी जिसके बाद इस्लामाबाद का जो है डायरेक्ट एक्सेस मुकम्मल हो जाएगा। ये तमाम मेंबर्स के लिए जिनकी कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट है या उन मेंबर्स के लिए जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। वो इसलिए कि इससे पहले आपने किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का पाकिस्तान में प्राइवेट इंटरचेंज नहीं देखा होगा। मेरे पास एक एग्जांपल बचती है जो कोट करने के लिए वो है गुलबर्ग ग्रीन्स कि जब वहाँ पे इंटरचेंज नहीं बना था 30 लाख 40 लाख का प्लॉट था आज वही प्लॉट आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्लॉट है और ये इंटरचेंज इतना गेम चेंजर साबित होगा क्योंकि ट्रैफिक का फुटफॉल आता है। लेट्स से कि दिन की 4 लाख गाड़ी मोटरवे से गुजरती है और 4 लाख की 10% भी अगर साइड पर आती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की तो उससे क्या होगा कि अप्रॉक्सीमेट अगर पर गाड़ी मैं 2 बंदे भी लगाऊँ तो 80-90 हज़ार का फुटफॉल आपका पर डे बनेगा। ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेडिकेटेड इंटरचेंज का मेंबर को फ़ायदा होगा, ज़्यादा फुटफॉल ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा प्रॉफिट्स। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का डेडिकेटेड इंटरचेंज इसमें अहम किरदार अदा करेगा। आज बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के लिए क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी का पहले आपने एंट्री पॉइंट देखा होगा तो उससे अक्सर मेंबर कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट से गुजर के आते थे। तो आज कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट से हम एग्जिट होंगे जो मोटरवे के अपोजिट साइड पर बना है एक्सेस पॉइंट, तो उससे हम एग्जिट होके ये इस्लामाबाद जाने वाली पहली गाड़ी है। इससे पहले मलिक साहब इस एक्सेस से चक्री रोड से आते हुए यहाँ से गुजर के आए हैं तो ये आप फ्यूचर में यहीं से एक्सेस लेके आप इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे
और लाहौर से आने वाली जितनी ट्रैफिक होगी वो यहाँ से कम्यूट करेगी। तो ये ओवरऑल कैपिटल स्मार्टी के मेम्बरान के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आज का दिन। सो व्यूअर्स, दिस वाज इट फ्रॉम टुडे। अगर आप कैपिटल स्मार्ट या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे में कुछ मालूम चाहिए हो, देखे नंबर पर रब्ता करें। इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें, www.makansolutions.com। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।